तो फ्रेंड्स बिहार की नई भर्ती कुल पद की बात करते हैं तो 1175 पदों पर बिहार के कृषि विभागों में एक नई न्यूज और नोटिस मिल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा न्यूज और नोटिस जो कि 21 जनवरी के प्रभात खबर में ये दिया गया है। तो क्या दिया गया है पहले वीडियो को पूरा लास्ट देखिए कि क्या दिया गया है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि कृषि विभाग में 1175 पदों पर होगी नियुक्तियाँ। और यहाँ पर नीचे में आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में कृषि सेक्टर में नौकरी अच्छी खासी रिक्तियाँ निकलने जा रही है। पौधा संरक्षण यानी कहो तो पौधा के देख रेख के लिए पौधा संरक्षण संभाग में 1175 पदों पर नियुक्तियाँ निकलने वाली है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीते रोज विभाग की समीक्षा के दौरान खाली पदों को शीघ्र भरने की निर्देश दिया है। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। और यहाँ पे पौधा संरक्षण विभाग में कुल 1509 पद स्वीकृत है जिसमें से अभी मात्र 334 कर्मचारी ही कार्यरत है। इस तरह 1175 पद अभी रिक्त है। और इस समीक्षात्मक बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि इस पदों पर यहाँ पे खाली पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिए हैं। तो यानी कि ये भर्ती जल्द से जल्द होने वाली है। अब कब तक होने वाली है इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। पद की बात करते तो अच्छी खासी संख्या में ये पद है। तो बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे हैं तो इसका विज्ञापन जल्द ही आ सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लाइक एंड यूट्यूब तक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे ही भर्ती को नई न्यूज और नोटिस निकलती है तो मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक एंड यूट्यूब तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू एंड लव यू ऑल।